टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामो और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वेरी गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मैं हूं आपका होस्ट फैजान शेख। सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा हमारे हाउस बैंड को, जिसमें मौजूद हैं फैसल, यासिर, इलियास और राहिल। कैसे हैं भाइयों, ठीक ठाक हो? सब खैर, वेल डन। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फैटर हाफ की। जी हां, बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि अधीरम जो। लाइट से दो दफा कितनी आटे की बोरियां बेच के आपने ये जगह सब है? कुछ बेचे जा रहे हैं। देखें, बात ये कि जब भी आप तजर्बा करते हैं हाँ। तो उसमें कुछ चीजें बहुत अच्छी होती हैं, कुछ चीजें बहुत बुरी होती हैं और कुछ चीजें अलग भी निकल आती है। हम भी एक तजर्बा है जिंदगी का। हाँ, लेकिन ये आपने बहुत अच्छी लग रही है जैकेट, लेकिन ये जो बकरे के कान आपने अलग से लगवाए, दिस इज क्यूट। हाँ हाँ, क्यूट की स्पेलिंग आपकी थोड़ी डिफरेंट होगी, मुझे पता है। जी जी, मुझे बताएं प्रेशर के बारे में क्या ख्याल है आपका? प्रेशर के बारे में मेरा ये ख्याल है कि जब भी आपको प्रेशर आए तो उसको रिलीज करें। ओ भाई, दिल का ओ भाई, प्रेशर एक ही तरह का नहीं होता। फिर जैसे कि तुम क्योंकि थिएटर से हो हाँ। तुम थिएटर में परफॉर्म करो, अम्मी बैठी तुम्हारी परफॉर्मेंस देख, तुम्हें पता है फैमिली बैठी हुई हाँ। तो प्रेशर होता है। हाँ, एक बार मेरी अम्मा प्ले देखने आई थी, मुझे हाँ, याद है हाँ, कराची में प्ले था ठीक है। और मेरी अम्मा सामने थी और बहुत प्रेशर आ गया था। फिर फिर मैंने ब्रेक ली और फिर मैं पीछे से करके आया। ओ, वो प्रेशर नहीं कह रहा मैं यार, प्रेशर प्रेशर ही होता है यार। अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर, जैसे मैं अगर क्रिकेट खेल रहा हूँ हाँ, और मुझे पता है कि मेरे घर वाले बैठे मैच देख रहे हैं तो कोशिश होती है ज्यादा तेज बॉलिंग हो, ज्यादा अच्छे रन। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है। ये वाकई में ये हुआ था कि मेरी अम्मा प्ले देखने आई थी, उन्होंने एक या दो बार यूँ आई है और मैं अपनी लाइन्स भूल गया था, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि इस ऑडियंस के अंदर मेरी माँ बैठी हुई और वो मुझे देख रही है हाँ। तो उनके लिए तो मैं उनका बच्चा है ना, जो खड़ा होकर बिल्कुल, तो मैं लाइंस भूल गया था अपनी हाँ। लेकिन अम्मी तो देख रही है, लेकिन यहाँ पे ऑडियंस भी देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे पास अच्छी वाली है ये। वेरी गुड, ये हो गए 3-0 हो गया। मैं आप सब लोगों से माजरा चाहते हैं, कान में लगा रहे ये हो गए 3-0 हाँ बिल्कुल। मैंने प्रेशर की बात इसलिए की क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं आज उनको प्रेशर आया है। ओ नहीं यार, क्या उनपे अच्छी परफॉर्मेंस का प्रेशर मुझे लगता है होगा। अच्छा। क्योंकि जब आपके घर वाले या आपके घर में जो आपके फैमिली रनर होते हैं, अगर वो किसी शोबे से ताल्लुक रखते हैं और आप उसी शोबे में जाएं तो आप पे बड़ा प्रेशर होता है। और कम फैमिली मेंबर हो तो कम प्रेशर आता है, ज्यादा फैमिली मेंबर हो तो ज्यादा। यार तू उस प्रेशर से बाहर निकला, मैं दूसरी बात का, अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर। फॉर एग्जांपल, अगर कोई अच्छा क्रिकेटर, उसका बेटा अगर क्रिकेटर बने तो उस पर बड़ा प्रेशर होता है कि जी मैंने भी जाके परफॉर्म करना है। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन आ जाती है। एग्जैक्टली, आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हम दोनों के बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, लेकिन वो बहुत ही कमाल एक्टर के बेटे भी हैं। अच्छा, ये बहुत अजीब सी बात है कि हमारे दोस्त हैं और कमाल के एक्टर हैं, वरना हमारे दोस्त बेचारे सारे अजीब हैं। नहीं नहीं, हमारे दोस्त हैं तभी कमाल के एक्टर हैं। अच्छा, ऐसा है? हाँ, ऐसा भी बुलाएं उनको जल्दी से। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उनके साथ, मैंने स्क्रीन भी शेयर किया। ही इज एन एब्सोल्यूट जेंटलमैन, उनके साथ काम करने में इतना मजा आता है, क्योंकि बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो कि अपने सीन से ज्यादा आपके सीन पे भी मेहनत करते हैं। हाँ, ये वैसे बहुत कम ही होता है ना, वरना अक्सर एक्टर्स तो बेचारे क्लोजेस में खड़ो के लाइन है ना, वो कहते हैं इधर देख के बस दे दे मैं जा, हां दे दे मुझे अपने फोन पर बॉयफ्रेंड को बताने के शाम 7:30 बज जाएंगे। तो भाई एक्टिंग करते हैं तो कमाल करते हैं, चाहे वो सीरियस हो चाहे वो कॉमिक हो, हर तरह काम कर लेते हैं। और उन्होंने देखा कि दो भाइयों का काम अच्छा चल रहा है तो वो होस्टिंग में भी कूद गए, तो हम बहुत जल्दी पान की दुकान लगाने लगे उनकी वजह से। बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर अली अप्पा। सर थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। सबसे पहले तो वेलकम टू द मजेदार शो। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं प्रेशर में हूँ। प्रेशर में महसूस हो रही है कि हम आपका इंटरव्यू लेंगे। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं प्रेशर में वाकई बहुत नर्वस हूँ। और वैसे भी मैं इंटरव्यूज में अगर जाता हूँ कभी तो मैं मैंने तुम्हें बहुत कम इंटरव्यूज में देखा है, कंजूसी करते हो तुम। मैं बहुत कम जाता हूँ, मैं पहले भी आप लोगों के ही जी, शो एक दो दफा शो में आया हूँ। प्रेशर में मैं आज क्यों हूँ, क्योंकि इनकी पूरी फैमिली को मैं बहुत एडमायर करता हूँ, और सबको, रॉनी को, रव्या को, प्रवीण जी के बारे में तो क्या कहूँ, और ये तो चैंपियन है।
ये तो इसके बारे में हम करेंगे शो में बात, पर आपसे मुझे डर लगता है। मुझसे डर लगता है ऐसे अक्सर लोगों को डर लगता है। वो पिछले शो में भी मैंने कहा था कि मुझे डर लगता है कि यार ये पड़ गया मुझे तो मेरा क्या हो। नहीं नहीं ऐसा, और वैसे भी हमारी एक बात बहुत सेम है, आपने शायद नोटिस नहीं किया कि आप भी कम शो में जाते, मैं भी कम शो में जाता हूँ, आप खुद नहीं जाते, मुझे बुलाते नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत सेम है। इंग्लिश में शोज होते हैं ना, यू नो वो जो कॉफी विद करंट टाइप शो होते हैं, वहाँ मुझे बिल्कुल नहीं बुलाते थे। तो ये वाला प्रेशर होता है फील कि जी अब्बा इतने कमाल के एक्टर हैं तो उसके साथ, और फिर तुमने ये कसम खा ली कि जी मैं अपनी जगह खुद बनाऊंगा, कोई पर्ची नहीं, कोई सोर्स नहीं, वो उन्होंने कहा मैं कोई काम नहीं दिलाऊंगा, तो कितना मुश्किल है ये काम यार। पहले 2-2.5 साल जब गुजरे थे 2012 के मिड से लेके 2014 तक, तो एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मैंने लोगों को कॉल्स करनी शुरू कर दी थी कि मुझे नौकरी दिलवा दें। सही है, क्योंकि मेरी तो दाल यहाँ नहीं गलेगी, और उसमें बहुत जो हाथ था वो मेरी अपनी मेंटालिटी का था। मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि यार हम क्योंकि फिल्म देखकर बड़े हुए हैं और हम हीरो टर्म सोचते हैं कि भाई हीरो बनना है, हीरो बनना सही बात है। जब आप आते हैं और आप खास तौर पर अगर एक एक्टिंग बैकग्राउंड से, तो लोग आपको हीरो ही जज कर रहे हैं और समझना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं, नहीं देखना चाह रहे। तो 2-2.5 साल के बाद तो मैंने आई वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्विटिंग। ठीक है, तो बहुत से लोगों को मैंने कॉल्स कर दी थी कि यार अगर नौकरी 35-40 हज़ार की भी नौकरी मिल जाए तो कोई मसला नहीं, ठीक है मैं कर लूँगा। बट देन आई रियलाइज कि मुझे शायद 6 महीने और देखना चाहिए अपने पे काम करके, ठीक हो सकता है मैं गलत ट्रैक पे सोच रहा हूँ। और लकीली मेरी मुलाकात शूट पे हो गई नुमान एजाज साहब से, वाह। तो वो मतलब मेरे लिए तो वो एक मैं उनको बहुत ऑब्जर्व करता था, तो वो उन्होंने एक बात मुझसे कही जो मेरे दिल में जाके बैठ गई कि मैं अपने कैरेक्टर को ड्रामे का हीरो बनाता हूँ। वो बात जो उनकी थी वो मुझे क्लिक कर गई और मुझे लगा कि अच्छा यार कैरेक्टर्स करते हैं ना फिर। सही बात, कैरेक्टर्स करने मतलब उसका हीरो होना जरूरी नहीं है, नहीं है, लेकिन उसको मेहनत करके आप हीरो बना सकते हैं। और फैजान आप जानते हैं अच्छी तरह कि हमारे स्क्रिप्ट्स में जिस मयार का स्क्रिप्ट लिखा जाता है, हीरो तो बेचारा होता है, बहुत बेचारा होता है, उसके पास तो कुछ करने के लिए नहीं होता, उसके पास टाइटल की तस्वीर तो होती है, बस वो टाइटल की तस्वीर होती है, उसके पास सोशल मीडिया के वो कुछ लाइक्स और फॉलोअर्स होते हैं, बट अदरवाइज जिस तरह हम क्राफ्ट की बात करते हैं वो तो हीरो के पास अगर हो भी तो वो प्रूव नहीं कर सकता, बिकॉज उसके पास मार्जिन नहीं है, मार्जिन भी नहीं और टाइम भी नहीं है, दाढ़ी रोज बनवानी पड़ती है जोर से। कैरेक्टर जो हमारे सारे हीरोज की दाढ़ी सही होती है, मैं बहुत यार सारे हीरोज की दाढ़ी भी सही होती है, पफ भी सही होता है, बेजा फौत होने वाला मेरी माँ का ख्याल रखना, बहुत ज्यादती हुई और बाल बने हुए, ये कैसी ज्यादती है जिसमें बाल बने हुए यार तुम उसके बीच में नहीं बोलो। तो वो उधर से फिर मुझे लगता है कि वो प्रेशर तब मैंने लेना शुरू किया, एक्चुअली मैं सही पाथ पे तब आया, और फिर कैरेक्टर्स करते करते आज हीरो भी ऑफर होता तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि नहीं यार ये नहीं, मुझे बाकी कैरेक्टर सुना दे क्या है, उनमें से अगर मुझे कुछ समझ आता है तो वो करने की कोशिश करूँ। अच्छा ये बताइए कि जब आपने बताया कि भाई आपके हालात ऐसे थे शुरू शुरू में कि आपने कहा मुझे नौकरी दिला दो, तो सच से बताइएगा कि एक बार तो कभी ना कभी जाके अब्बा को बोला होगा कि देखो बच्चे की कोई मदद करो अपनी, तुम्हारी औलाद हूँ मेरी। नहीं भाई, अच्छा हमारे घर में कल्चर क्या है जो कि इनके घर में भी ऐसा ही है आई एम श्योर, बल्कि आई नो, मैं सारों को जानता हूँ कि बहुत फ्रेंडली हैं हम पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, बट एक जो लाइन है ना रिस्पेक्ट की वो क्रॉस नहीं कर सकते बॉस, ऐसे ही है। यानी अगर मेरे अब्बा को पता है कि मैं एक फलां हरकत करता हूँ तो वो उनको कहीं से पता चली होगी, मैंने शो नहीं होने दी आज तक। अच्छा ये है, ये क्लियर है। ये कहना तो मौत थी ना कि भाई मुझे काम दिलवा दे। अब मैं कॉर्पोरेट लॉयर था, नौकरी मैंने छोड़ी, इतनी बड़ी बड़ी पंजाबी गालियां मुझे पड़ी 6 महीने, और पंजाबी गालियां होती ही बड़ी छोटी भी होती बड़ी होती है, इलैबोरेटिव होती है, बड़ी ही डिटेल में होती है, कम से कम उसमें फुफो जरूर होती है गाली, सब होते हैं, सारे रिश्तेदार इनवाइटेड हैं, सब रिश्तेदार केटर होते हैं, जी सब सब सब। उन्होंने मुझसे कहा था कि यार तुम जाओगे तो किसी को ये भी ना बताना कि तुम इस फैमिली से हो, तुम्हें काम मिलेगा, लोगों को पता चलना होगा, चल जाएगा पता। एंड बिलीव मी, बहुत से लोग अभी भी शायद सही से नहीं जानते, वो कई लोगों को देव सरप्राइज्ड कि अच्छा आप वसीम अब्बास साहब के बेटे, एंड देन आप ये तुम बहुत ज्यादा हंबल हो रहे हो, ऐसा नहीं कसम सब जानते हैं माशाल्लाह, खास स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग, थोड़ा सा नाम बन गया तो नहीं माशाल्लाह सब जानते हैं, वरना ये कि आज दिन तक प्रेशर है उनके उनके, क्योंकि उन लोगों ने जो काम किए जो वो हम तो यार मुझे बताओ ये प्रेशर कितना फील होता है कि यार जैसे फॉर एग्जांपल माशाल्लाह बैक टू बैक हिट्स हैं
माशाल्लाह अगर पीछे देखें तुम्हारे बैक टू बैक माशाल्लाह सारे बहुत अच्छे हिट्स हैं, ये वाला प्रेशर कितना फील होता है कि यार अब मुझे हिट ही देना है, क्योंकि यू नो इट कि एक आदमी के अच्छे होने से पूरा प्रोजेक्ट हिट नहीं होता, नहीं हो सकता, इट्स अ वेरी कलेक्टिव एफर्ट, तो ये वाला प्रेशर कितना फील होता है? यार फैजान सच बताऊं, मुझे रेटिंग हिट जो जिसको हम रेटिंग वाला हिट कहते हैं ना, उसका प्रेशर आज तक फील नहीं हुआ। उसकी वजह ये है, मुझ पर एक प्रेशर जरूर होता है कि यार ये अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक फहाम कर दिया है या बासिल कर दिया है या हारून कर दिया है, ये कैरेक्टर्स हिट हो गए हैं, इन कैरेक्टर नेम्स के साथ मुझे बुलाया जा रहा है, तो अब अगला कैरेक्टर कितना अच्छा करना है, उसको कैसे डिफरेंट करना है, वो कैसे इस लेवल पे पहुंच सकता है या इससे ऊपर जाना चाहिए। अलिफ जैसा ड्रामा नॉमिनेट नहीं होता। सही बात है, लोग बात करते हैं और फिर वो बेचारे बात कर करके खुद ही चुप कर जाते हैं, सुन तो रहा नहीं रहा। सही बात है, तो क्या बात करें इसके बारे में। ठीक है, और ऐसे ऐसे प्लेयर्स हिट हो जाते हैं कि जिनके मैं अभी नाम लूंगा तो प्रोड्यूसर्स मेरे खिलाफ हो जाएंगे, बट वो नाम ऐसे कि आप जब वो देखते हैं आप कहते हैं यार ये ड्रामा इसकी रेटिंग आ रही है 200.9.0.7, तो क्या वो क्या आप करेंगे? अच्छा, कभी अपने साथ हुआ कि कोई आपको, क्योंकि आप जब काम कर रहे होते हैं आपको पता होता है आप कैसा कर रहे हैं और क्या चल रहा है, कि कोई ऐसा किया हो कि यार मजा नहीं आ रहा, पता नहीं कैसा होगा, बट उसने कमाल कर दिया हो, और किसी में बहुत एफर्ट किया कि यार ये तो मैंने आपके भाई ने दिया ही दिया है और वो बिल्कुल ना चला हो? यार मुझे पता क्या लगता है कि जो डायरेक्टर है ना वो बहुत मैटर करता है यार, क्योंकि मैं आप हम ऑनेस्टली स्पीकिंग पूरा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते। ठीक है, कभी भी हम हमेशा मेजॉरिटी अपने सीन्स पढ़ते हैं, फिर एक आधी बार किसी और का पढ़ लिया। डायरेक्टर का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टर को पूरे कैनवस का पता होता है उसने किसको क्या रंग देना है, ये लाल होगा, ये पीला होगा, नीला होगा, कौन सा सीन कहाँ जोड़ रहा है, कहाँ जोड़ रहा है, किसके साथ जोड़ रहा है, आपका क्या, अगर मैं और आप कर रहे हैं काम तो आपका कैरेक्टर किस स्केल पे है, मेरा किस स्केल पे। अच्छा, मैं क्यों समझता हूँ कि डायरेक्टर की एक एक्टर की परफॉर्मेंस में बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि मैं अगर कोई सीन परफॉर्म कर रहा हूँ मैं उसे देख नहीं रहा, मैं सिर्फ परफॉर्म कर रहा हूँ, हो सकता है मैं जज्बात में उसको ओवर कर दूँ या बहुत अंडर कर दूँ, डायरेक्टर मॉनिटर देख रहा है, वो देख रहा है कि पीछे फैजान क्या कर रहा है, पे पकना चाहिए। उसने मुझे बताना है कि यार ये 7 पे स्केल पे करें, ये 10 पे करें, ये 2 पे ले आए। ठीक है, सो डायरेक्टर मैटर करता है। मुझे लगता है कि हाँ, और ऐसा होता है कि बहुत से प्लेज होते हैं आप कर रहे होते हैं, आप कहते हैं यार ये क्या कर रहे हैं हम, और वो मैसिव हिट्स होते हैं और आप हैरान हो जाते हैं। सही है। और बहुत से प्लेज होते हैं आप बहुत जान मारते हैं। मैंने एक सीरियल किया था, उसका नाम था ए जिंदगी, अदनान भाई कुरैशी साहब ने वो डायरेक्ट किया था, और उसमें मेरा कैरेक्टर ब्रीफ था, एज इन ब्रीफ से मुराद ये कि कुछ 150-100 सीन होंगे, बट वो मैंने बहुत जान लगा के किया था क्योंकि वो मेरी बिगिनिंग का भी काम था और मुझे प्रूव करना था। सही है। वो हिट नहीं गया, और टिल डेट जब मैं उसके सीन्स कभी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये जो मैंने काम किया है ये बहुत, ये मेरे आज के काम से बहुत ऊपर का काम है और ये अंडर अप्रिशिएटेड है, ये उसने अप्रिशिएट नहीं हुआ। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अली अब्बास, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो, हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अली अब्बास, हम गेम खेलने लगे दिस और दैट। मजेदार ओके, होगा कुछ यूं कि आपसे सवाल किए जाएंगे और उसमें होगा इससे दो ऑप्शन, एक ऑप्शन आपने चूज करना है, बिल्कुल ये वाली होशियारी नहीं होगी कि वो मेरा दोस्त है, मैं थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाऊं, थोड़ा ऐसे खेल लूं, जवाब देना है, और उसके साथ साथ आपको मिलेगी ऑफर जो कि देंगे मिस्टर आदि अदील अनमजद। ऑफर बहुत आसान सी, ऑफर ये कि आपके सामने क्यूब पड़ा है, ठीक है, सवाल के जवाब देते हुए अगर आपने इस क्यूब को सॉल्व कर दिया उस टाइम के अंदर अंदर तो आपको कैश 2 लाख रुपए इनाम मिलेगा। अबे हंसता क्यों है, हमारी शक्ल नहीं है क्या 2 लाख? नहीं नहीं, हां ना, नहीं नहीं, आजकल यार हालात बहुत खराब है। नहीं, 2 लाख की शक्ल है, कैश की नहीं है। नहीं नहीं, 2 लाख रुपए बाकी में आपको कैश मिलेगा, और अभी तक 5 लोग जीत चुके हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, 17 में से 5 लोग जा चुके हैं। ऐसी बात नहीं है, मैंने जीत रहा कंफर्म, ये यार आप कोशिश, लाख लाख रुपया डील कर लो। आपके वालिद साहब ने भी इसको सॉल्व कर लिया ना, क्योंकि ये खराब है। अब आप समझे, इसलिए हम आप लगे रहे, इसीलिए हम कहते हैं 2 लाख रुपए। चलें तैयार हो जाएं। पॉजिटिव या नेगेटिव कैरेक्टर्स? नेगेटिव। ट्रैवलिंग या शॉपिंग? ट्रैवलिंग। मीट और वेजिटेबल्स? मीट। नीलम मुनीर या फिर नाजिश जहांगीर? नीलम मुनीर। ट्रेन या फिर प्लेन? ट्रेन। वर्क हार्ड और प्ले हार्ड? वर्क हार्ड। जॉगिंग और वॉकिंग? जॉगिंग। मोबाइल गेम्स और कंसोल गेम्स? मोबाइल गेम्स। फोन कॉल या फिर टेक्स्ट? टेक्स्ट। अब दौर शुरू होता है बदतमीज सवालों का, आदि अदील मतलब मैंने कहा ये तो बड़ा मजेदार है यार, ये तो अभी शुरू है। अच्छा ये बताइए, छोटे कद की लड़कियां या लंबे कद की लड़कियां? लंबे कद की। ये बताइए, लड़कियां जिनके सर के बाल लंबे होते हैं या लड़कियां जिनके नाक के बाल लंबे? गंदगी नहीं करो, बाल तो लंबे होते हैं, गंदगी नहीं करो, बताइए। सर सर यार सर वाले बात है, ये बताइए जो महंगे कपड़े पहनती है लड़कियां वो अच्छी लगती है या वो लड़कियां जिनके गंदे पैर होते हैं? नहीं नहीं, जो महंगे पहनती है, महंगे पहनती है, ऑप्शन दे रहा है। अच्छा ये बताइए कि बाहर घूमना पसंद है या पाकिस्तान में घूमना पसंद है? बोथ।
ये बताइए, बोथ नहीं बोल सकते, बोल सकते पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान टीवी के हिसाब से बिल्कुल सही जवाब। पैसेंजर और ड्राइवर? पैसेंजर। पेन और पेंसिल? पेंसिल। नेटफ्लिक्स या यूट्यूब? नेटफ्लिक्स। सलाद या रायता? क्या सलाद या रायता? सलाद या रायता, आपके दिमाग में पहली चीज आई है मुझे लग रहा है, तलाक या रायता? तलाक या सलाद या रायता? रायता। निंजास या पायरेट्स? पायरेट्स। इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट? इंट्रोवर्ट बॉस। अच्छा चलिए ये बताइए कि बस में सफर करेंगे या रिक्शे में? बस में। ये बताइए पैदल चले आएंगे या किसी से लिफ्ट ले लेंगे? नहीं लिफ्ट ले दी, बहुत लिए। ये बताया कि लड़की से बात करनी हो तो पूरी रात फोन पे लगे रहेंगे या बोलेंगे व्हाट्सएप पे आ जाओ? नहीं अब व्हाट्सएप ही ठीक है। ठीक है, सूट या शलवार कमीज? सूट। शूज या वॉचेस? शूज। डाइन इन और डिलीवरी? डाइन इन। टी और कॉफी? टी। मजहर मुइन या साइमा वसीम? फंसा लड़का फंसा, गुगली गुगली बीच में यार ये तो आपने ना जल्दी जल्दी भाई, सॉरी मजहर भाई साइमा। ठीक है, विंटर्स और समर्स? विंटर्स। ब्लैक और व्हाइट? ब्लैक। ऑटोग्राफ या सेल्फी? सेल्फी। देसी खाना या अंग्रेजी खाना? देसी। स्काई डाइविंग और बंजी जंपिंग? स्काई डाइविंग। जुनून या वाइटल साइंस? जुनून। आतिफ असलम सज्जाद अली? सज्जाद अली। वसीम अब्बास एज फादर और एज एक्टर? अब इसमें ये तो ज्यादा है। एक 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 बॉस 2 लाख रुपए दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जल्दी बताओ भाई, पानी से आया 2 लाख। वसीम अब्बास एज एक्टर। मुंह पे दाढ़ी या क्लीन शेव? दाढ़ी। ये बताइए प्यार जिंदगी में एक ही बार होता है या प्यार तो प्यार होने की चीज है कभी भी हो सकता है? इसलिए यूं करना चाहिए, प्यार प्यार तो होता रहता है, प्यार होता रहता है। ये बताइए कि बच्चे अपने ही अच्छे या बच्चे दूसरों के ही अच्छे? सर बस बच्चे अपने ही अपने अच्छे, मतलब अच्छे यार, क्या हो गया तुम्हें? नहीं मतलब बच्चियां दूसरों की क्या मतलब है? मतलब बच्चियां दूसरों की बड़ी क्यूट लगती हैं, अपनी अक्सर अच्छी नहीं होती। ये क्या अपनी अच्छी क्यों नहीं होती यार, बेची तो अल्लाह मियां की नेमत जब होगी तो पता चलेगा। अच्छा ये बताइए कि गोला गंडा खाते हैं या गोलगप्पे खाते हैं? गोलगप्पे। मीठी पूरी खट्टी पूरी? खट्टी। ये बताइए कभी उंगली डाल के वहां से ये बताओ क्या यार, मैं भी तो शूट कर रहा हूं। गाइडेंस नहीं अभी अभी कवर हो जाएगा। ये बताइए कभी उंगली डाल के चाय के ऊपर से मलाई हटाई है कि नहीं हटाई है? ये नहीं हटाई कई बार। दही मलाई वाला बगैर मलाई के? बगैर मलाई के। रात को 10 बजे के बाद घर में होते हैं या बदर के कोने पे घूम रहे होते हैं? नहीं, बदर के कोने पे क्यों घूमेगा वो, शादीशुदा आदमी है भाई, लोग घूम रहे होते हैं भाई। नहीं मैं घर 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 में होता हूँ। गाड़ी में घूमना पसंद है बाइक पे? गाड़ी में। बाइक का किस्सा तो क्या है ये मुझे पता करना है। आपसी बातें, चुप हो जा। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आ गया मेरे दोस्त, ये देखा आपने एकदम माहौल चेंज। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, पहले बता दूं। ये नहीं होशियारी नहीं करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोई तर्स वर्स नहीं खाना है तुमने? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अली अब्बास कोई तर्स नहीं खाना, सोच समझ के जवाब देना। मैं घूंढ ले लूं इसके पीछे, मैं भी हूँ इसके पीछे, एक बहुत बड़ी कहानी चल रही है। वो क्या है वो हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, जल्दी नहीं करनी, मैं तुम्हें खुद बोल रहा हूँ, टेक योर टाइम और इसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं हो। ठीक है, आदि या फैजान? कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना कि मेरा दोस्त है, मेरा फलाना है, ये है, इसको कोई प्यार नहीं करता। जवाब तो दे, जना प्रेशर ये तो बाकी जो अल्लाह को मंजूर। आज का शो प्रेशर पे, उसको प्रेशर पे डालने दो, बताओ यार। यार मुझे दोनों अच्छे लगते हो यार। यार दोनों अच्छे लगते क्या मतलब यार, मुझे भी दो लड़कियां अच्छी लगती है, दो से तो नहीं शादी कर सकता ना मैं। नहीं शादी तो हमसे भी नहीं होगी, लेकिन एक चूज करना है। फैजान। ये चीज मेरा दोस्त, बजाओ गाना। नहीं नहीं कवर नहीं करो, कवर नहीं करो उसको। क्या करो, और ऊपर ही नहीं आ रहा वहां पे यार। I'm so sorry आदि, I'm really sorry. नहीं क्यों, you shouldn't be sorry. You shouldn't be sorry at all. अपना जुमला बोलो जल्दी से, ये जुमला बोलता हारने के बाद। फैजान जी बेटा, कचरा भी अपनी जगह बदलता है, मैं तो फिर भी इंसान हूँ। वेरी गुड, इस दफा कचरे ने जगह नहीं बदली। खवातीन हज़रात, वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ मौजूद अली अब्बास, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो और हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अली अब्बास। अली भाई सीन कुछ ऐसा है कि हमने एक सिलसिला ही शुरू किया है कि हर शो में हम अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं एक ऐसे आदमी को जो कि अपना टैलेंट शोकेस करना चाहते हैं। ठीक है, बिकॉज हम दोनों और आई एम श्योर आप भी स्ट्रगल का मतलब समझते हैं। बिल्कुल, तो हम चाहते हैं कि उस स्ट्रगल किसी की हम थोड़ी सी हेल्प कर दें, इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद लोगों को थोड़ा सा मौका मिल जाए। और अब तक जो लोग आए बहुत ज़बरदस्त आए और सारे जो है वो इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करते हैं, हम उनसे कुछ मंगवाते हैं, अच्छे लगते हैं तो हम यहाँ बुला लेते हैं।
तो आज जो हमारे साथ मौजूद है वो है रोशन अली, जिनका टैलेंट है सिंगिंग, तो उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक हैं जी? बिल्कुल। आप कराची से हैं या कहीं बाहर से? जी मैं कराची से हूँ। और कितने अरसे से गाने गा रहे हैं आप? गाना गाते हुए तो मुझे तकरीबन 20 साल हो गए होंगे। आप तो बातें भी गाने के अंदाज़ में 20 साल से गा रहे हैं। और गाना गाते हुए मुझे जो है नहीं नहीं 20 साल से मैं गा रहा हूँ। बीच में मैंने छोड़ दिया था फील्ड, कोई 7 इयर्स मैंने। बीच में अक्सर लोग छोड़ देते हैं क्योंकि गर्मी बहुत होती है, मौसम कह रहे हैं वजह बता रहे हैं, सुन लो जी सर। नहीं आप सही कह रहे हैं, बीच में लोग इसलिए छोड़ देते हैं जब कोई प्लेटफॉर्म सही से नहीं मिलता जी, तो फिर ऐसे ही होता है। नहीं सर, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आप अगर अपने काम पे लगे रहे ना तो काम बन जाता है। और लोगों को प्लेटफॉर्म पता है, मोस्टली जिनका बैकग्राउंड जो होता है सादा होता है ना, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। हाँ, फिर वो जहाज पे जाते हैं। वो टैलेंट के प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, नहीं करो ऐसा ना हो कि जो टैलेंट आया वो तुम्हें मारे। मुझे ऐसा नहीं चाहता मेरा प्लेटफॉर्म चला जाए, तुमसे ये प्लेटफॉर्म भी छीन लिया जाए। तो सर क्या सुनाएंगे आज अपने? कहानी सुना दे। ए, मैं गाना क्या सुनाएंगे? एक खूबसूरत सा सॉन्ग, जबरदस्त सर, अहमद रुश्दी साहब का, जबरदस्त। कोको कोरीना, कोको कोरीना। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। झील से गहरी आंखें जिसकी, फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फें नागन बनकर देती हैं जिसपे पहरा। झील से गहरी आंखें जिसकी, फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बनकर देती है जिसपे पहरा। तुम पूछोगे मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हसीन, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। हो सकता है कल फिर मुझको वक्त वहां ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। हो सकता है कल फिर मुझको वक्त वहां ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। मैं कह दूंगा दिल पर मैंने शायद देखा है तुमको कहीं, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। थैंक यू, वेल डन सर, जबरदस्त। और मुझे नहीं लगता कि इतनी अच्छी सिंगिंग के बाद भी आपको ये सोचना चाहिए कि मैंने बीच में काम छोड़ दिया। आप इस पे लगे रहे हैं, आप ज़बरदस्त गाते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आज की परफॉर्मेंस के बाद आपको मज़ीद कामयाबियाँ मिलेंगी और आपको मज़ीद लोग पसंद करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा अली, आप बाय नेचर एक्सट्रोवर्ट हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग? देखिए मैं इंट्रोवर्ट हूँ, बट जैसे मेरा कोई अगर दिल से एक दोस्त बन गया है तो वो मुझसे जब भी मिलेगा तो मैं उसके साथ एक्सट्रोवर्ट ही होऊंगा, उससे मैं पूछूंगा भी, उसको बताऊंगा भी कि क्या हुआ इस टाइम में। और वैसे मैं अपने दोस्तों को स्टॉक करता हूँ, ठीक है, हर जगह पे मैं उनको कहाँ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। और कहीं मुझे अगर फील, क्योंकि एक हम
जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे अपना प्रॉब्लम बताना भी बहुत मुश्किल बड़ा मसला है। सही बात है। आप अपने आपको कवर कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, दोस्तों में भी कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छा दोस्त वही है जो आपसे खुद आकर बगैर पूछे आपके मसले को हल करने की कोशिश करे। बिल्कुल सही है। सो दैट इज व्हाई मैं अपने दोस्तों को स्टॉक करता हूँ, उनके साथ मैं एक्सट्रोवर्ट, अदरवाइज आई एम एन एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट पर्सन। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरी और अली की माशाल्लाह बहुत अच्छी दोस्ती है, आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ फ्रेंड लाइक हिम। कभी कभी रात को 2 बजे एक फोन पर लिखा था अली अब्बास, मैं कहता हूँ या अल्लाह खैर क्या किया है मैंने ऐसा, मैं फोन उठाता हूँ मुझे डांट पड़ती है, फिर मैं डांटे सुनता रहता हूँ तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम्हें क्या जरूरत है, मैं कहता हूँ भाई सोने दे यार टाइम दे, सुबह डांट लेना मुझे। तो फैजान आप बताएं कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने कॉल किया आपको शर्म आई हो उसके बाद? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह गैरत जागी हो। इसने अब कॉल करना कम कर दिया क्योंकि समझ गया कि ये लड़का सुधर नहीं रहा। अच्छा अली भाई मुझे ये बताइए कि क्या आप अभी भी बाहर जाके नॉर्मल ढाबों पे और दुकानों पे बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए, या अब आप थोड़ा सा रहते हैं कि यार नहीं मुझे इतना पब्लिक नहीं? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि मैं फैजान और मैं 5 साल पहले 4 साल पहले मिले थे पहली बार, 5 साल पहले मेरे 5 साल पहले सेट पे मिले थे, एंड आई डोंट थिंक कि फैजान में भी कोई मुझे आज चेंज महसूस होता है। हाँ ये चेंज जरूर महसूस होता है कि बहुत ज़बरदस्त ग्रूमिंग हो गई है, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चला गया। मुझे लगता है जो इंसान अपने रूट्स से किनारा कशी कर लेता है वो फिर गुम जाता है। सही बात। और वो कहीं नहीं पहुंचता, वो चाहे वो एक जो सामने कामयाबी नज़र आ रही है वो अंदर से खुश नहीं हो सकता उस तरह। सो मैं तो ढाबे पराठे चाय दोस्तों से पुराने दोस्तों से मिलना वगैरह वो मतलब सब 71-5 पे बैठ के कोई मसला नहीं, किसी भी चीज पे वो कोई मसला ही नहीं है मुझे उस चीज़ किसी भी चीज पे ना बैठा करें मतलब वो बेहतर रहेगा। मैं बोलते ही मैंने सोचा कि तो अली भाई ने आप लोगों को इस ब्रेक में बताया कि अपने रूट्स का ख्याल रखें, अपने रूट्स कराना पड़ जाएगा, अपने रूट्स का ख्याल रखें, कभी रूट्स ना भूलें, अपनी औकात इंसान को याद रहनी चाहिए। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ मौजूद है अली अब्बास, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो और हमारे साथ मौजूद है अली अब्बास और हम खेलने लगे 5 सेकंड रूल। मजेदार मजेदार और आपने जवाब देना है, अगर आप सही जवाब देंगे तभी आप बजर दबाएंगे, बजर चेक करें जैसे खर्चा किया भाई, लेके 3 तक गिनती सुनाए 1 2 3 आप बजाएं ये। और ये जो आप इतने प्यार से कर रहे हैं ना आपको मौका नहीं मिलेगा, 5 सेकंड यूं निकल जाएंगे। दोस्तों तैयार है? 5 सेकंड पक्की बात है, वेरी गुड। चलें जी पहला सवाल, 3 फ्रूट्स के नाम बताइए जो कि पी से शुरू होते हैं। पोमेग्रेनेट, पाइनएप्पल, पीच। पोमेग्रेनेट क्या होता है भाई? पोमेग्रेनेट मतलब ये पोमे नहीं होते? पोमेग्रेनेट पोमे पोमेग्रेनेट पोमे क्या होते? पोमे तरबूज, छोटा तरबूज। पोमेग्रेनेट छोटा तरबूज, अनार अनार पता नहीं चला उसने बताया। प्रोमेग्रेनेट नहीं होता, पोमेग्रेनेट। तीन ऐसी चीजें बताएं जो आप पी सकते हैं, तभी आप उस शो में नहीं जा पा रहे। पता है सर सवाल हो गया आपसे, सर सवाल हो गया आपसे। कौन सा? तीन ऐसी चीजें जो आप पी सकते हैं, पानी, सॉफ्ट ड्रिंक, चाय, कॉफी। वेरी गुड। तीन ऐसी चीजें जिसमें आप पैर डाल सकते हैं, चप्पल, दरवाजा, गेट। अरे सलवार यार, सलवार में आपने पहले डाल शलवार पे गुस्सा आ गया। अच्छा चेहरा शलवार का मजाक नहीं है, स्पीड बढ़ती जाएगी। हाँ, ये प्रेशर ज्यादा हो रहा है भाई। 3 स्टाइलिंग की एक्सेसरीज, जेल, ब्रश, ड्रायर। वेरी गुड। 3 चीजें जो सुबह उठते वॉशरूम जाके आप करते हैं, पूप, ब्रश, मुंह धोना। वेरी गुड। 3 सिटीज पाकिस्तान की जो कि एम से शुरू होती हैं, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, मरी। अरे वाह वाह। 3 पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो कि जिंदा नहीं है, शफी मोहम्मद साहब, आबिद अली साहब, सुल्तान राही भाई। 3 ऐसी चीजें जो निकालने पे भी नहीं निकलती हैं, जुए। अबे जुए निकल जाती है। अच्छा क्या निकालते नहीं निकलता भाई पॉलिटिशियन क्या? ये देखो जवाब दिया यार, ये तो अजीब सी बात है। टाइट क्वेश्चन, टाइट जूता, टाइट जूता, मोजा। अच्छा, देखो आपने आपने अपना दिमाग क्लियर रखना है। टाइट टाइट जो भी ठीक है। 3 स्ट्रिंग्स के गाने, दूर, ये गया गया नेम नेम 3 डिशेस मेड बाय पोटैटो, आलू कीमा, आलू गोभी, आलू मटर। ये 3 चीजें वो जो वक्त के साथ साथ बड़ी हो जाती हैं, बाल, नाखून, एज। अबे बच्चे बच्चे यार तुम हंसते क्यों शुरू में? अच्छा आप कोई और शो भी करके आए, आप हंसते क्यों हैं? पहले नहीं भाई, कान जिंदगी पर बड़े होते हैं, नाक जिंदगी पर बड़ी होती है, कद। अरे तो मैंने तो चीजें बताई है, बात सुन का कद नहीं फिर उसके जमीर का कद।
जो मैंने चीजें बताई है वो बढ़ती बढ़ती नहीं वक्त के साथ आज तक बढ़ी वो थोड़ा स्लो बढ़ती है आपने सोची थी ना वो तेज बढ़ी तीन ऐसी चीजें जो आपके बैग में होती है हर वक्त फोन परफ्यूम किताबें ठीक है तीन ऐसी चीजें जिनको सूंघ के मजा आता है परफ्यूम अच्छी खुशबू खाना गाना छोटे बच्चे छोटे बच्चे छोटे बच्चे वरना एटीएम वाले नोट तमाम फनकार परेशान हो गए जी अभी आपको थोड़ी देर में इंशाल्लाह अच्छा जी मेक थ्री एनिमल साउंड ये क्या था ये बीच वाला क्या था ये तीन तरफ से आया एक बहुत मशहूर और वो आती था ये क्या था वाँ। ये बाइक पे इसने क्लच छोड़ा अपना जानवरों की मिमिक्री नहीं की मैंने बेटा मैं तुम्हें वहां ले चलूं तीन ऐसी चीजें जो आप चबा नहीं सकते रबड़ लोहा शीशा ठीक है तीन ऐसी चीजें जो लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं होती बदबू मोटा इंसान और छोटा कद ठीक है यार मोटा इंसान इसने अजीब से यूं करके देखा था हिंट लिए इसने तुझसे इंसान मोटा नहीं होता उसका जमीर मोटा होता है और ये मुझे पता नहीं तू जमीर किस चीज को कहता है भाई अच्छा जी तीन ऐसी चीजें जो आप सर्दियों में पहनते हैं स्वेटर कोट मफलर वेरी गुड तीन ऐसी चीजें जो आप सर्दियों में उतारते हैं स्वेटर कोट मफलर जो पहना वही उतार दिया सही वेरी गुड मैं ये जानना अपने तीन पड़ोसियों के नाम बताइए अदनान फारूक जमीर ये तुम झूठ बोल रहे हो ये तुमने सरासर झूठ बोला है मुझे पता है लेकिन चलो तीन ऐसी चीजें जो रोकने पे भी नहीं रुकती है मैं बता नहीं सकता भाई ट्रेन ट्रेन जहाज प्रोटोकॉल वक्त देखे वक्त देखिए आप लोग गहरे लोग हैं मैं बहुत शैलो आदमी हूँ मैं उधर जाऊंगा ही नहीं वेरी गुड ठीक है नेम थ्री थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू साइलेंटली सिंगिंग डांसिंग एंड ईटिंग तीन अवेंजर्स के नाम बताइए आयरन मैन कैप्टन अमेरिका स्कारलेट विच ब्लैक विडो तीन ऐसी चीजें जो अंधेरे में अच्छी लगती हैं लाइट लाइटनिंग और अपना सोना यार देखो हेल्प हेल्प भाई ने की ना सोना 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 मतलब सोना भाई मैं तो अक्सर उनको ही बोलता ना सोना सो गई हो चल तीन ऐसी चीजें जो कि काली होती हैं काली अबे यार क्या हो गया बाल कोट पैंट जूता दाल दाल हद हो गई यार बाल तो हंसते क्यों शुरू में यार नहीं क्योंकि मैं क्या करूं दोस्तों मैं ट्रेन में ऐसी चीजें आती हैं जो पता नहीं तीन ऐसी चीजें बताएं जिनकी तासीर गर्म होती है चाय कॉफी और आम तीन फीमेल को फेवरेट तीन फीमेल को एक्टर्स आयजा खान नीलम मुनीर और सोनिया ये बताइए तीन फेवरेट मेल को एक्टर्स फैजान आरेज हमाद तीन ऐसी चीजें जो आप नहीं देख सकते कोई सीरीज नहीं देख सकता मैं गंद नहीं देख सकता न्यूज नहीं देख सकता अरे फ्यूचर नहीं देख सकता भाई अबे अच्छा कैसा लगा पर्सनली नहीं नहीं हम साइंटिफिक जा रहे थे ठीक है तीन फेवरेट पाकिस्तानी गाने वो मेरा बिछड़ा यार दूर दोस्ती ठीक है हो गया तीन पाकिस्तानी फेवरेट फिल्म मुझे चांद चाहिए अच्छी लगी थी मुझे पंजाब नहीं जाऊंगी यार क्या यार हद हो गई यार बात बात भाई की ना मालूम अफराद ना मालूम अफराद पूछो पूछो तीन ऐसी चीजें जिन पे आप बैठ सकते हैं कुर्सी सोफा गाड़ी की सीट ठीक है तीन ऐसी चीजें गाड़ी की सीट बहुत बेदिली से बोला है नहीं क्यों गाड़ी की सीट अच्छा तीन ऐसी चीजें जो कि होती खुश्क है लेकिन गीले करके इस्तेमाल करते हैं अबे हाँ क्या हो गया होती खुश्क है गीले करके इस्तेमाल करते हैं ब्रश में हिंट देता हूँ आटा ब्रश बाल आटा आटा स्त्री स्त्री आप गीला करके गीला करते ना स्त्री फिर करते फिर कपड़े को गीला करके स्त्री भाई गीला करके इस्तेमाल करते हैं हमने तो ये बोला है आप गीला करके इस्तेमाल कर लो तीन ऐसी चीजें जिसमें तेल इस्तेमाल होता है खाना अंडा नाश्ता चाय मालिश 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 वेल डन अली वेल डन मेरे ख्याल से प्रेशर फील हुआ आपको बहुत ज्यादा पता नहीं कहां से प्रेशर आया प्रेशर ज्यादा इस बात का फील हो रहा था कि मैं कोई ऐसी बात ना कर दूं जो ये पकड़ ले जिसके पास सब प्रेशर पकड़ ले ठीक है आइए आगे आइए आ जाए भाई अब जो है वक्त हुआ है जी मूव ऑफ द डे का मूव ऑफ द डे में होगा कि वही एक बीट बचेगी ठीक है आप एक मूव करेंगे बेसिक इट शुड बी वेरी बेसिक ठीक है और मैं करूंगा फिर आदि करेंगे फिर जो लोग देखेंगे वो हमें वीडियोस बना के देंगे ओके तो इट विल बी वेरी वेरी बेसिक कुछ ज्यादा बेसिक सा करें म्यूजिक हमारा बजाए बेसिक सा करें
आ जाओ भाई, आप मुझसे आज वो करवा लिया जो कहीं नहीं हुआ होगा। ऐसा तो हमने कुछ नहीं कराया, ये डांस मैंने जिंदगी में पहली बार। अली भाई थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट, इट वाज ग्रेट हैविंग यू, मजा आया जबरदस्त। मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एट द शो यार, मैं आई डोंट थिंक मैंने इतना एंजॉय किया कभी किसी शो में। मैंने नहीं, थैंक यू। और आज इनकी बेटी की बर्थडे भी थी बट ही स्टिल टुक द टाइम आउट, तो ये होते हैं दोस्त। सीखो। मेरी भी बेटी की बर्थडे होती है तो मैं होता हूँ शो पे। अच्छा, नहीं लेकिन एक्चुअली फैजान बहुत हम्बल और मॉडेस्ट हो रहे हैं। फैजान मेरी इतनी लास्ट मिनट कॉल पर मेरी हेल्प करने के लिए आए थे कि मैंने जानबूझ के वो वाला मुद्दा नहीं छेड़ा, मैं चाहता हूँ सरप्राइज ही रहे ताकि वो आ जाए तो फिर हम उस तरफ जाएंगे। बिल्कुल, शुरू में मैंने हिंट दे दी थी, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ आपकी बेटी की बर्थडे लेकिन आपकी शादी नहीं हुई है, तो मैंने कहा मैं आपको याद दिला दूँ। तो सर अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि आपके बहुत सारे फैंस ये शो देखेंगे और अक्सर हमारी वीडियोस के नीचे आता है अली अब्बास को बुलाएं, अली अब्बास को बुलाएं, अली अब्बास को बुलाएं, तो हमने आपको बुला लिया है, तो कोई मैसेज हो तो दैट कैमरा इज योर, सो प्लीज। दैट इज सो स्वीट ऑफ यू ऑल, बट मैसेज जो है वो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हम लोग, वैसे तो हमने जो कुछ भी किया उससे आप कुछ सीखें ना सीखें, खासतौर पर ये बजर राउंड से तो कुछ ना सीखिएगा प्लीज़ बिल्कुल भी नहीं, और हमें जज भी ना कीजिएगा, लेकिन जज ही मत कीजिए प्लीज़, लोगों को जज मत करें, कौन किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, उसको जाने बगैर जज मत करें यार। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, अल्लाह ताला सब चीज़ें अता करने वाला है, हम इंसान जो हैं वो बस अपने रास्ते सीधे कर लें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। सो प्लीज़ लोगों को जज ना करें, लोगों की ये जो इंस्टा पे या फेसबुक पे ट्रोलिंग होती है खुदा का वास्ता है यार, किसी की ज़िंदगी अजाब मत बनाइए। हर बंदा अब जो स्क्रीन पर आ रहा है या इंस्टा पर कुछ लगा रहा है वो आपको खुश करने के लिए लगा रहा है, आप खुश नहीं हो रहे इग्नोर कर दें, वरना अप्रिशिएट जरूर करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, बस यही मैसेज। और मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के बारे में आपका ओपिनियन हो। हाँ बिल्कुल, हो सकता है कि आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, दोनों ऐसा भी हो सकता है किसी चीज़ पे अगर मैं आपको कोई भी ओपिनियन ना हो, ना आपको अच्छा लगे ना आपको बुरा लगे, तो उस बॉल को आप लीव कर सकते हैं आराम से। जी आदि भाई मैं एक छोटा सा बस ये पैगाम दूंगा, छोटा सा ही देना, छोटा सा ही होगा कि अपने बड़ों की इज्जत करें, और माना कि हम दुनिया में पीछे रह गए हैं कि अभी तक हम सीनियर और जूनियर से नहीं निकले, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सीनियर की इज्जत करके हमें अच्छा लगता है और हमारे माँ बाप ने सिखाया, तो प्लीज़ ये करते रहें और पॉजिटिविटी फैलाएं। और अली भाई मैं आपको एक हमेशा एक बात कहता हूँ आपके बारे में, नॉट ऑन द स्क्रीन बट वैसे भी, मुझे आई स्टिल रिमेंबर आई मेट यू एट द मॉल वंस जी, और आई सॉ यू, और मैंने आपको आपके जाने के बाद जो मेरे साथ थे उनको मैंने बताया था कि यार इतनी पॉजिटिव वाइब और इतना अच्छा इंसान का ऑरा होना, और मेरे लिए आपके लिए दुआ निकलती है कि आप इसी तरह रहें और हंसते मुस्कुराते रहें और पॉजिटिविटी के साथ रहें और हम आपको प्यार करने का मौका दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू अली। और हमारे साथ मौजूद थे रोशन जो कि एक और जबरदस्त गाना गाएंगे। सर टेक इट अवे, और हम आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते, उम्मीद करते हैं आपको शो पसंद आया होगा। क्या हो गया, क्यों इशारा कर रहे हो, बता दो प्लेटफॉर्म पे खड़ा। अगर आपके पास ऐसा कोई टैलेंट है जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके परफॉर्म करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे इंस्टाग्राम पे द मजेदार शो पे हमें इनबॉक्स कीजिए। क्या मसला है, जाने में तो ठीक नहीं है मुझे लग रहा है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम वीडियो देखें और आपको यहाँ पर